बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, किसको उच्च पद की प्राप्ति होगी, किसके घर में नया मेहमान आएगा, किसकी राजनीतिक प्रगति होगी, कौन डिप्लोमेट होगा, कौन ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, कौन राजनीति में जाएगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। भूमि भवन से किसको लाभ मिलेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, किसको अध्यात्म में जाना है, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन गीतकार बनेगा, किसको भूमि भवन शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा, किसको पेट्रोलियम के क्षेत्र से व्यापार से लाभ मिलेगा, आप किस क्षेत्र में जाएंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, समय आपका अच्छा चल रहा है। आज आपको सरकार से धन लाभ होगा, सरकार से प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकार के काफी अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी में उच्च पद एवं पदोन्नत होने की संभावनाएं बन रही है। भूमि से लाभ होने का योग बन रहा है, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा और मन की चंचलता को नियंत्रण में रखें। मन की चंचलता की वजह से आपको तनाव की स्थिति हो सकती है, इससे बचने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप पुलिस सेवा में सेना में ताजा आपकी पदोन्नत हो सकती है, उसका प्रबल योग बनना है। सावधानी क्या बरतनी है, मन को एकाग्र रखें। उपाय क्या करना है, आज आप अपने कर्म क्षेत्र में लग जाइए, आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा और गाय को हरा चारा खिलाना है आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज का समय आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। लेखन कार्य से आपको धन लाभ मिलेगा, सलाह बहुत ही कीमती देंगे, कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे, अपनी बौद्धिक क्षमता से लाभ मिलेगा और कीमती सलाह बाणी आपसे धन मिलेगा, लेखन कार्य से धन मिलेगा, ढेर सारे कार्यों के होने की संभावनाएं बन रही है। आपके परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, भाग्य के साथ सारे कार्य आपके अच्छे होंगे, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, स्थिति अच्छी रहेगी। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन माइन इत्यादि से लाभ मिलेगा, आज आपको पैसा बड़े पैमाने पर मिल सकता है, आज आपका व्यापार अच्छा होगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को आज बेलपत्र अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, आज आपको चतुर्थिक लाभ होगा, बड़े पैमाने पर जो आपके पुराने कार्य किए गए उसमें लाभ मिलेगा, आपकी क्षमता में वृद्धि होगी, आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपने मन स्थिति को संतुलित रखें, आय के स्रोत में वृद्धि होगी, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है तो पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, दूर देश की यात्रा हो सकती है, पुराने मित्रों के मिलने से आज आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आज जो सारी समस्याओं का समाधान होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने वाणी पर कंट्रोल करें, इमोशन में आके कोई निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है और उनको दुर्वा अर्पित करना है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आपके द्वारा बनाई गई योजना से बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा, अनेक स्तरों पर आज आपको सफलता मिलेगी, माता पिता का सुख मिलेगा, गुस्सा पर नियंत्रण करने की जरूरत है, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, पॉजिटिव सोचना आपके लिए ठीक रहेगा, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा है, बेवजह चिंतित ना हो, चिंतित रहना आपके लिए ठीक नहीं है और इससे अपने मन को हटाने की जरूरत है, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट में जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, सावधानी क्या बरतनी है, पॉजिटिव सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ दें आपके लिए अच्छा रहेगा, गाय को रोटी और गुड़ खिलाना बेहतर रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज जातकों के लिए समय बहुत अच्छा, आपके परिवार में शुभ और महत्वपूर्ण कार्य होगा, आपका मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, सामाजिक लाभ होगा, संतान सुख मिलते हुए दिख रहा है, माता का सुख मिलेगा, घर बनाने का योग बन रहा है, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, अधिक खर्च होने से मन चिंतित रहेगा और जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, एकाग्रता में वृद्धि होगी, आय के संसाधन के स्रोत बढ़ेंगे, आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, रोग और शत्रु परास्त होंगे। अपने इंट्यूशन की बात माने, सावधानी क्या बरतें, खर्च पर कंट्रोल करें, भावुकता में कोई निर्णय न ले, ध्यान रखना है, खान पान पर भी नियंत्रण रखें। और आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय ये करना है कि गौशाला में जाकर के गाय को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक है, आज आपकी वाणी बहुत ही कीमती होगी, उससे आज आपको धन लाभ मिलेगा, माली हालत अच्छी होगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी,
आलस्य में अपना काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आलस्य का परित्याग करके अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहिए। बच्चों से थोड़ी मनमुटाव हो सकती है, बच्चों से मनमुटाव ना करें, आय के संसाधन बढ़ेंगे, भूमि विभवन इत्यादि से लाभ मिलेगा। आज आपको पेट्रोलियम कोयला के क्षेत्र में अगर नया व्यापार करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा और आज की योजनाएँ बड़ी अच्छी होंगी और उसमें आपके कार्य रूप में प्रेरित कर सकते हैं, दूर देश की यात्रा हो सकती है, उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। उपाय क्या करना, हरा चारा गाय को खिलावें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है स्काई ब्लू, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया, आपका मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा होगी और आज आपको एकेडमिक लाभ मिलेगा। एकेडमिक क्षेत्र में क्या क्या प्रयास सार्थक होगा, आपकी संतानें अच्छी होंगी, आप अपने संबंधों से अच्छा काम करेंगे और संबंध बनाने में सफल रहेंगे, पत्नी का सुख मिलेगा और भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे और स्थितियां आपके अनुकूल होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको सावधानी बरतनी कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है, किसी के साथ अपनी बातें शेयर न करें। और उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि 5 प्रकार का अन्न ले लें और अपने भार के बराबर मंदिर में दान कर दें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज आपका समय बहुत ही शानदार है, आपके परिवार में शुभ कार्य होगा, कार्य क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित होगा। भाषा का प्रयोग करने से बचें, जो भाषा आपको खराब लगती हो वो भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ ना करें। आलस्य से बचें, घर परिवार में मनमुटाव हो सकता है जिसके कारण चिंतित रहेंगे और आपके आपकी मेहनत से सारा कार्य संपन्न होगा। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी माइन से लाभ मिलेगा, स्थिति आपके अनुकूल है, मान सम्मान मिलेगा और आज आपको नए तरह के कार्यों को करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, कटु भाषा नहीं बोलना है, मधुर भाषा का प्रयोग करें। उपाय क्या करना, आज आप क्या करें कि गरीबों को भोजन कराएं और वस्त्र दान करें और वृक्ष लगाएं, अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनुराशि की। जो धनुराशि के जातक हैं आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, आपके महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, विरोधी परास्त होंगे और शत्रु और वाणी पर नियंत्रण रखें, शत्रु पर भी नियंत्रण रखें, वाणी पर भी नियंत्रण रखें और रोग शत्रु को हल्के में न लें। अनेक प्रकार के संसाधनों के आय के जरिया बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र से धन लाभ मिलेगा, खर्च होने से मन थोड़ा चिंतित हो सकता है तो आप अपने इनकम का बढ़ाइए, खर्च को लेकर चिंतित ना हो। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, एकेडमिक विकास होगा, विदेश जाने का भी योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, कड़वा बोलने से परहेज करें, आपके लिए अच्छा रहे। उपाय आज क्या करना है, उपाय करना है कि आज आप गौशाला में जा करके अपने भार के बराबर चारा दान करें। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं आज आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा होगी, माली हालत अच्छी होगी, इंडस्ट्री इत्यादि से लाभ मिलेगा। अकारण मन तनाव में हो सकता है तो तनाव पर नियंत्रण करें, नेगेटिव थॉट में न जाएं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। धन की स्थिति अच्छी होगी, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा और आज अगर माइंस पेट्रोलियम के क्षेत्र में कार्य करते तो आपके लिए अच्छा होगा और दूर देश की यात्रा हो सकती है, सरकारी लाभ मिलेगा। यदि आप इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से समय अच्छा चल रहा है, राजनीतिक लाभ मिलेगा। और क्या होता है कि अनावश्यक अब तनाव में रहते, इससे बचें, अनावश्यक तनाव न लें। सावधानी क्या बरतनी है, पॉजिटिव सोचना है और तनाव नहीं पालना है। उपाय क्या करना है, चिड़ियों को दाना खिलाइए, सरसों के तेल का दान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा, आलस्य का परित्याग करें और आलस्य में क्या होता है कि अपना माली हालत आप बिगाड़ सकते हैं तो आलस्य का परित्याग करें, रोग और शत्रु परास्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, खेल के क्षेत्र से धन लाभ मिलेगा, नए तरह के कार्य कर सकते हैं और आज आपकी परेशानियां दूर होंगी, माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, विदेश जा सकते हैं और खर्च पर कंट्रोल करें नहीं तो माली हालत आपकी प्रभावित हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, गरीबों को भोजन करावें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा। अगर परिवार में कोई जातक प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो उसको सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी,
रोग और शत्रु परास्त होंगे। आज आपकी जो आइडिया होगी इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलिए। बहुत सी योजनाएं आज आपकी सफल मिले होगी। आपको शिक्षा से लाभ मिलेगा। थोड़ा अपने संतान से मतभेद हो सकता है और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और भावुकता में आके कोई निर्णय न लें। खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी और गुड़ खिलावें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण।